चंदेरी थाना क्षेत्र के ग्राम गोराकला में राजश्री मांगने की बात पर मना करने पर एक ग्रामीण के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। दरअसल चंदेरी थाना क्षेत्र के ग्राम गोराकला गांव में फरियादी मनोज पुत्र रघुनाथ रैकबार उम्र 33 साल ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि ग्राम गोधन में मंदिर के पास एक चंदेरी निवासी शशिकांत सिसा के द्वारा राजश्री खाने के लिए मांगी। राशि देने से मना करने पर मेरे साथ चंदेरी निवासी शशिकांत सिसा के द्वारा मेरे साथ मारपीट की व गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं पुलिस ने मनोज की शिकायत के आधार पर आरोपी पर मामला दर्ज कर जांच में लिया है। जो पुलिस विवेचना में है, उक्त व्यक्ति जो अपने आप को कथित मीडियाकर्मी बता रहा है, उसकी शोहरत 24 घंटे शराब के नशे में रहने की है एवं उसके खिलाफ चंदेरी थाने में कई मामले दर्ज हैं। पुलिस पर दबाव बनाने पर झूठे आरोप लगाकर निर्दोष व्यक्तियों को फंसाना चाहता है। उसके साथ कोई मारपीट की घटना नहीं हुई बल्कि उसके द्वारा ही ग्रामीणों के साथ गाली गलौज मारपीट व जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसके संबंध में संबंधित के विरुद्ध थाने में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। चंदेरी से सिद्धार्थ साद की खास रिपोर्ट। मनोज रैकवार नामक व्यक्ति द्वारा थाने पर शिकायत की गई थी कि किसी एक व्यक्ति शशिकांत शेषा नाम के व्यक्ति जो कि नशे में था, उसने पुड़िया मांगने के लेकर के किसी विवाद पर से आवेदक के साथ मारपीट की, जिस पर से थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया। शशिकांत शेषा जो अपने आप को तथित मीडियाकर्मी बता रहा है, ये इसकी शोहरत नशे में रहने की है और एकदम कहीं भी झगड़ा करता रहता है। इसके ऊपर पूर्व से भी 2-3 अपराध मारपीट की पंजीबद्ध है। उस दिन इसने उस व्यक्ति आवेदक के साथ मारपीट की। उसके बाद हमारे अधिकारी SDOP साहब के निवास पर बंगले पर जाकर भी वहाँ उसने गाली गलौज करी है। मध्य प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आदर्श न्यूज को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। साथ ही अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें।